हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरजेश कुमार केसरवानी लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो आप सभी के साथ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, पहला टॉपिक है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर और तीसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट वन। स्टूडेंट, पार्ट वन में हम माउस से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, लेकिन इस वीडियोस में मैं इस माउस के विषय में चर्चा करूंगा। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप सभी इस पर ध्यान जरूर दे दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि सर माउस वगैरह के विषय में क्या ज्यादा जानना समझना। स्टूडेंट, माउस भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, और स्टूडेंट माउस से संबंधित क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं, कोई चीज छोटा या बड़ा नहीं होता स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी, तो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं आज के इस नए वीडियो में आप सभी के साथ। स्टूडेंट, आज हम तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर और तीसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट वन है जिसमें हम माउस के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो देयर आर फाइव फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज द इनपुट यूनिट, सेकेंड इज द आउटपुट यूनिट, थर्ड इज द स्टोरेज यूनिट, फोर्थ इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड फिफ्थ इज द कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारे पांच फंक्शनल यूनिट हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में सहायता करते हैं। स्टूडेंट, इन्हीं पांचों फंक्शनल यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की, कि कंप्यूटर को चलाने में कौन सा कॉन्सेप्ट कार्य करता है। तो स्टूडेंट, यहां पे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहां पे आप देखिए कि इनपुट यूनिट है, फिर स्टोरेज यूनिट है, फिर आउटपुट यूनिट है, इधर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत हमारा कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। स्टूडेंट, ये कार्य कैसे करता है तो मैं आपको बता दूं कि पहले यूजर जब इनपुट देता है, यूजर डेटा को इनपुट कराएगा तो ये इनपुट यूनिट के द्वारा स्टोरेज यूनिट पे जाता है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज में। इसके बाद स्टूडेंट स्टोरेज यूनिट एक सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट के पास यह चेक कराने के लिए कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फ्री है कि नहीं, यानी खाली है कि नहीं, व्यस्त होगा तो वो उधर से डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को चेक कर रहा है और यहां से इसे बता रहा है स्टोरेज यूनिट को नहीं वो फ्री है। तो जैसे ये कहता है तो स्टोरेज यूनिट डेटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है, इधर प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के उपरांत फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट को कहता है कि हम स्टोरेज यूनिट को डेटा भेजना चाहते हैं आउटपुट के लिए। तो कंट्रोल यूनिट स्टोरेज यूनिट से पूछता है, फिर स्टोरेज यूनिट जैसे ही बताता है वैसे ही कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा को जो प्रोसेसिंग डेटा है उसको स्टोरेज यूनिट में भेज देती है, फिर वही स्टोरेज डेटा हमारा आउटपुट यूनिट के द्वारा हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से कंप्यूटर हमारा कार्य करता है। तो इसे आप भली भांति देख लें कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, तो मैं आपको पुनः आपको बता दूं कि यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट के बाद फिर यहाँ डेटा स्टोरेज में आएगा, स्टोरेज से फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, स्टोरेज यूनिट में जैसे ही आता है तो कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
फ्री है कि नहीं, जैसे ही अगर ये फ्री होता है स्टोरेज यूनिट को सिग्नल देता है, तुरंत यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास डेटा आता है, फिर कंट्रोल यूनिट चेक करता है स्टोरेज यूनिट को फ्री है कि नहीं, जैसे ही यहाँ पे होता है फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा को स्टोरेज यूनिट में भेज देता है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट यूनिट में जाता है और यहाँ पे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। स्टूडेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर सिस्टम है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम उस पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो रही बात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आगे जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की चर्चा करेंगे, वहां पे हम सीपीयू के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कार्य करता है। स्टूडेंट फिर बात आती है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी सीपीयू, अदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, फिर कंप्यूटर मेमोरी, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट मैं आप सभी से कह दे रहा हूं कि यह अगर आप इन 5 कंपोनेंट्स का ध्यान रखते हैं तो यह हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का 50% भाग है। 50 क्या, ये 70% हिस्सा है हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो आप स्टूडेंट इसे याद रखिए ये 5 कंपोनेंट्स को, और कभी भी खाली बैठिए या फिर कभी शांत एकांत में बैठिए तो वहां पे इन 5 कंपोनेंट्स के विषय में आप सोचिए और उनको रिवीजन करिए अपने माइंड में, ताकि ये हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहे। ये देखने में 5 कंपोनेंट्स लग रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल इन्हीं पर डिपेंड है। तो हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी जाएगा। अभी धीरे आप देखिएगा कि ये अभी लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा है, तो मैं एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो धीरे धीरे मैं आप सभी को लेके चलूंगा। तो आइए पहला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर में पहला टॉपिक हम लेते हैं माउस को। स्टूडेंट माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इसे अलग क्यों लिखा गया, क्योंकि स्टूडेंट माउस कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर का एक मुख्य हिस्सा होता है इसलिए इसको अलग ही लिखा गया है। तो स्टूडेंट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट माउस के विषय में चर्चा करेंगे। तो माउस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। स्टूडेंट यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो माउस का आविष्कार कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर टू में एक सैनिक जो थे वो डगलस सी एंगलबर्ड ने 1968 में किया था। माउस एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के उपयोग द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। स्टूडेंट माउस एक मुख्य इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जा सकता है। स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है फिर भी आप माउस के द्वारा पूरा कार्य कर सकते हैं। स्टूडेंट ये कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आगे मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं अभी इस पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है माउस के विषय में ये छोटी सी जानकारी थी। अब स्टूडेंट यहाँ पे माउस कितने प्रकार से चलाया जा सकता है। माउस के देखिए 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है लेफ्ट क्लिक, दूसरा हिस्सा होता है राइट क्लिक, और तीसरा हिस्सा होता है ये व्हील, ये बीच में जो व्हील लगी हुई है। तो लेफ्ट क्लिकिंग क्या होती है, तो इसमें 5 है तो 3 चीज, लेकिन इसे हम 5 तरीके से चला सकते हैं। तो 5 तरीके से कैसे चलाएंगे, पहला हमारा है लेफ्ट क्लिकिंग। तो लेफ्ट क्लिकिंग क्या होता है, ये पहला है लेफ्ट क्लिकिंग, दूसरा है डबल क्लिकिंग, तीसरा है दाया क्लिकिंग यानी राइट क्लिकिंग, चौथा है ड्रैगिंग यानी ड्रैग करना, स्क्रॉलिंग यानी स्क्रॉल करना। तो इनका मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट आगे वीडियो मैं भी चर्चा करता हूं। देखिए ये लेफ्ट क्लिक का मतलब होता है ये हमारा लेफ्ट क्लिक है। ओके स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट क्लिक है, ये हमारा राइट क्लिक है। स्टूडेंट फिर से आप देख लीजिए, ये हमारा लेफ्ट क्लिक है, ये हमारा राइट क्लिक है। तो इतना ध्यान रखिए आप सभी लोग, ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा डबल क्लिक क्या होता है। स्टूडेंट यहां पे देखिए ये हमारा
डबल क्लिक होता है। जब हम दो बार इस पर लेफ्ट क्लिक पर हम दो बार करते हैं तो ये हमारा डबल क्लिक होता है। ड्रैगिंग क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे हम आपको बता दें ड्रैगिंग क्या होता है। स्टूडेंट यहां पे देखिए, जब हम क्लिक करके और खींचेंगे माउस तो वो हमारा ड्रैगिंग कहलाता है। ओके, तो ये माउस ड्रैगिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्रॉलिंग होता है। स्क्रॉलिंग स्टूडेंट देख लीजिए, ये यहाँ पे बीच में जो व्हील होता है इसी को जब हम घुमाते हैं उंगलियों के द्वारा तो इसी को हम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब माउस कितने प्रकार का होता है, तो स्टूडेंट माउस तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस और तीसरा होता है वायरलेस माउस, यानी मैकेनिकल माउस, प्रकाशी माउस और तारवाहित माउस हिंदी में बोलते हैं। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस क्या होता है और वायरलेस माउस क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं थोड़ा थोड़ा। मैकेनिकल माउस क्या होता है स्टूडेंट, मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले हिस्से में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह अंदर की ओर घूमती है और माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को संकेत देते हैं। स्टूडेंट यह बहुत ही पहले यूज किया जाता था, अब बहुत कम यूज किया जाता है। इसमें हमारे माउस के नीचे एक छोटी सी गेंद लगी होती है, जब भी माउस को हम इधर उधर खिसकाते हैं तो वो अंदर की बॉल जो होती है वो धीरे धीरे मूव करती है और उसी मूव के कारण वो एक सिग्नल जनरेट करती है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा टफ होता था लेकिन कुछ समय बाद ये माउस बहुत कम यूज किया जाने लगा और बाद में इसके मैकेनिकल माउस की जगह पे ऑप्टिकल माउस यूज किया जाने लगा। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है स्टूडेंट, ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज यानी किरण इसके नीचे की सतह में उत्सर्जित होती है जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक नीचे एक लाइट लगी होती है, लेजर लाइट लगी होती है। ये इन्हीं रेस के द्वारा ये सेंस करता है और ये हमारे जो भी हमारे माउस के पॉइंटर को घुमाता है इधर उधर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। तीसरा हमारा है तार रहित माउस यानी कि वायरलेस माउस। ये तार रहित माउस क्या होता है, तार रहित यानी कार्डलेस माउस भी इसे बोलते हैं। वे माउस होते हैं जो आपको तार से झंझट से मुक्ति देते हैं। यानी स्टूडेंट की कुछ समय बाद क्या हुआ कि अब लोग बहुत सारी चीजें वायरलेस यूज होने लगी हैं तो इसी तरह से वायरलेस माउस भी यूज होने लगा। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। अब ये क्या होता है कि अगर कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है और इसमें दो कंपोनेंट ट्रांसमिट तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा उसकी क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा माउस है, ये वायरलेस माउस है और ये हमारा रिसीवर है। ओके स्टूडेंट, इसे हम ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये ब्लूटूथ के जरिए ही चलता है स्टूडेंट, ब्लूटूथ माउस भी बोलते हैं इसे हम। तो ये ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही चलता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीन तरह से कंप्यूटर होते हैं। तो स्टूडेंट माउस के विषय में आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं। स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम कीबोर्ड की बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कीबोर्ड का। तो स्टूडेंट अभी हम इस वीडियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो 5 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के 5 फंक्शनल यूनिट कौन कौन से होते हैं और कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। माउस का फुल फॉर्म बताइए तथा माउस की खोज कब और किसने की। माउस के कितने प्रकार होते हैं तथा मैकेनिकल माउस का सेंसर किसकी सहायता से काम करता है। वायरलेस माउस किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। स्टूडेंट अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये बात पहुंच सके। और अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी नया वीडियो मैं यहाँ से लॉन्च करूँ वो आप तक इसकी सूचना पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट, तो हम आपसे मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में कीबोर्ड के साथ। ओके, थैंक यू।